एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है प्रिया टॉक शो। तो फ्रेंड, मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे तुलसी विवाह के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने देख लिया हुआ था मैंने में, तो तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये तुलसी विवाह कार्तिक महीने के एकादशी देवी में होता है और इसके साथ ही सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इंगेजमेंट, शादी, गोद भराई, ये सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। और चार महीने सोने के बाद जब विष्णु भगवान जागते हैं इस महीने, तो सबसे पहले वो तुलसी जी से विवाह करते हैं। तो तुलसी विवाह क्यों होता है, मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ क्यों किया जाता है। तो एक टाइम पर एक स्त्री होती है, उनका नाम होता है वृंदा, और वो पूजा पाठ में उनका स्टार्टिंग से बहुत मन लगता है, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती हैं वो। और उनका जो विवाह होता है तो वो एक जो राक्षस परिवार के होते हैं जलंधर, उनसे हो जाता है। तो जो जलंधर होते हैं वो शिव भगवान के ही अंश होते हैं। तो जो वृंदा उनकी बीवी होती है, पत्नी, वो इतना पूजा पाठ करती हैं तो वो इनके पूजा पाठ, उनकी भक्ति से वो उनके जो पति होते हैं जलंधर, वो बहुत शक्तिशाली बलवान हो जाते हैं। यहाँ तक युद्ध में भी उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो जो शंकर भगवान से उनका जब युद्ध होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब धरती पर बहुत ज़्यादा युद्ध किया था, हर चीज़ को तहस नहस कर डाला, तब शंकर भगवान से उनका युद्ध हुआ, तो शंकर भगवान भी उनको हरा नहीं पाए। तब सब सारे देवी देवता पहुँचे विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी विष्णु भगवान ने, तो विष्णु भगवान ने उनके जो पति थे जलंधर, उनका रूप लिया और पति के रूप में वृंदा के पास पहुँचे। तो वृंदा पूजा पाठ कर रही थी उस टाइम, तो जब उन्होंने अपने पति को शव कुशल देखा तो वो बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। तो जब उन्होंने अपने पति को देखा तो वो अपने विष्णु भगवान को, मतलब जो पति के रूप में थे, वो अपने पति के तरीके उनके साथ व्यवहार कर रही थी। तो जब ये सारी चीज़ उनकी पूजा पाठ से उनका जब मन हटा, तो वो अपने पति विष्णु भगवान जो उनके पति के रूप में आए थे, उनके साथ जो व्यवहार पति के रूप में कर रही थी, तो जब उधर उनका युद्ध चल रहा था, तो जब पूजा से इधर ये हटी तो शंकर भगवान ने उनको युद्ध में पराजित कर दिया, उनका वध कर दिया। तो ये जब सारा सच उनके सामने, वृंदा के सामने पता चला कि विष्णु भगवान ने उनके साथ, मतलब मैं तो इतनी बड़ी उनकी भक्त हूँ, इतना बचपन से लेकर अब तक मैंने पूजा पाठ किया और उसके फल में उन्होंने मुझे ये दिया कि मेरे पति को ही, मतलब उन्होंने धोखे से मरवा दिया, तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो इस क्रोध में आकर वो विष्णु भगवान को श्राप दे देती हैं कि आप सदैव के लिए पत्थर के बन जाएं। उसी टाइम जब विष्णु भगवान ये अपने भक्त का श्राप सुनते हैं, तो उस श्राप को स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु को श्राप देती हैं। जब भगवान विष्णु इस श्राप को सुनते हैं तो अपने भक्त का श्राप स्वीकार करते हैं और श्राप सुनकर वह पत्थर के बन जाते हैं। पत्थर बन जाने के बाद पूरी सृष्टि यानी पूरे संसार का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। इस चीज़ से परेशान होकर सभी देवी देवता वृंदा के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो अपना श्राप वापस ले लें, मतलब भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। तो जब सारी बातें वृंदा सुनती हैं तो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर देती हैं, और श्राप मुक्त करने के बाद वो अग्नि में आत्मदेह कर लेती हैं। जब अपने शरीर को आत्मदेह कर लेती हैं तो उनके जो राख होती है, उस राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न होता है। तब जब भगवान विष्णु श्राप मुक्त होते हैं तो वो उनको वरदान देते हैं कि पूरे संसार में इस पौधे की पूजा करी जाएगी, मैं स्वयं इनसे विवाह करूँगा। तो इसलिए तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है, और किस लिए होता है वो भी आपको पता चल गया। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता भी चल गया तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट जरूर करा करिए मेरे वीडियो पर। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।